It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write. And all of you know, it's been no easy road. But I keep working harder, going harder, just to prove something burning out. I can't do shit for. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज लाए हैं गाड़ी, आप देख सकते हैं वैसे बहुत खूबसूरत लग रही है सनशाइन में। तो आज हम लाए हैं इंडिकेटर्स के लिए वीडियो, बेस्ट इंडिकेटर्स है, सस्ते में चीप मॉडल है काफ़ी, वैसे 250 रुपये में खाली। और वैसे पेंसिल LED इंडिकेटर्स है, चारों का सेट आता है ये 250 रुपये में। LED आप ये देख सकते हैं कि येल्लो चल रहे हैं, ऑरेंज नहीं चल रहे हैं हेलोजन की तरह। तो आप ये देख सकते हैं कितने पतले हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको एक बार पीछे से भी इनका लुक दिखाता हूँ। तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा कि मैंने कहाँ से ख़रीदा, कितने में, मतलब पूरा एक लिंक। और बाकी अभी देख सकते हैं चल सही रहा है, रात में बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं, तो आपको कहीं पे भी ये डल नहीं लगने वाले। और ऊपर से फ्रेश भी लगते हैं क्योंकि ये LED हैं। ऊपर से इनका लेने का फ़ायदा क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये ड्यूरेबल नहीं होंगे, कि टूट टाट जाएंगे। तो भाई नहीं, मैं इसे 2-3 महीने से चला रहा हूँ, दो तीन हफ्ते से चला रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ इन्हें अभी तक। तो ड्यूरेबल इस क्वालिटी में, मैं जो लिंक डालूंगा सबसे मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। मैंने और 2-3 मंगाए थे इसी क्वालिटी के, बट वो थोड़े अच्छे नहीं आए थे। उनमें कुछ हैलोजन टाइप के थे, नहीं तो कुछ में सिर्फ हैलोजन टाइप की स्ट्रिंग्स थी LED के नाम पे, जो काफ़ी डल लग रही थी। और उनकी क्वालिटी भी ऐसे, यहाँ पे 4 रिंग्स है थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वालिटी के, वहाँ पे सिर्फ 2 थे और उनकी क्वालिटी भी पता चल रही थी कि टूट जाएंगे, जिन्हें कहते हैं ना कि झटके से टूटने वाले इंडिकेटर्स है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप बताइए कि इंडिकेटर्स और कैसे लगे। बाकी मैं अगली वीडियो भी बार एंड पे लाऊंगा, और भी मैंने काफ़ी काम कराया उस पर लाऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।